सदगुरु या सवाल अंजलि का है नमस्कार सदगुरु अपने एक संदेश में आप कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को उनके बर्ताव से नहीं आंकना चाहिए मैं इसे नहीं समझ पा रही हूँ क्योंकि मैंने हमेशा ये माना है कि जो लोग दयालु और करुणा में होते हैं वे आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं क्या आप उस संदेश का मतलब समझने में, में मेरी मदद कर सकते हैं well. <laughs> देखिए एक समय था मेरे स्कूल के दिनों का एक हिस्सा मैं इसे एजुकेशन नहीं कह सकता लेकिन स्कूल जाने का समय मैं कुछ खास तरह की स्कूलों में था जहां मॉरल साइंस उनके शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था मैं मिशनरी स्कूलों में था तो तो वो हमेशा हमें तीन जादुई शब्द सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना 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 no, ना no, no. आपको 30 सेकंड के अंदर मेरी दूसरी खांसी के आने का इंतजार करना होगा वो नहीं आ रही है <laughs> 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 मुझे जांच के बाद सर्टिफिकेट मिल गया है ठीक है जादुई शब्द मुझे यकीन है कि आप सभी को वो जादुई शब्द सिखाए गए होंगे आप जानते हैं वो जादुई शब्द क्या है क्या नहीं ये सही क्रम नहीं है ये सॉरी से शुरू नहीं होता आप क्या कर रहे हैं सॉरी पहला शब्द नहीं है प्लीज सॉरी और थैंक यू ठीक है आप इस तरह की तरकीबें सीख सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये नहीं कहना चाहिए अगर जादू आपके भीतर हो रहा है और ये शब्द बाहर आए तो ये शानदार है आप में कोई जादू नहीं है आपके पास सिर्फ शब्द हैं आपके पास अधिकार की भावना है लेकिन आप कहते हैं प्लीज इसका कोई मतलब नहीं है बेहतर होगा कि कम से कम आप दिखाएं कि आप कौन हैं ओ प्लीज क्या मुझे ये मिलेगा और वैसे भी आप इसे छीन लेते हैं मैं इसे हर समय देखता हूं और फिर आप किसी को उनके पिछवाड़े पर लात मारते हैं और फिर सॉरी कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है आप हर किसी से जो चाहे वो ले लेते हैं और फिर थैंक यू कहते हैं जैसे कि उन्होंने इसे दिया हो नहीं इन शब्दों से यह पता लगने की उम्मीद की जाती है कि आपके पास अधिकार की कोई भावना नहीं है आप समझते हैं कि वास्तव में यहां कुछ भी आपका नहीं है यहां तक कि अगर आपको एक ग्लास पानी भी चाहिए तो आप कहते हैं प्लीज अगर आप वास्तव में इसे इस तरह से देखते हैं कि एक ग्लास पानी या भोजन का एक निवाला भी आपका नहीं है सौभाग्य से यह आपके लिए उपलब्ध है इसलिए आप कहते हैं प्लीज शानदार आप चाहे कुछ भी करें आप शायद किसी को चोट पहुंचा रहे हो आप शायद किसी चीज के ऊपर कदम रख रहे हो जाने में या अनजाने में तो अगर कोई आपको देखता भी है तो आप पूछते हैं सॉरी क्या हुआ अगर आप वैसा महसूस कर रहे हो तो और थैंक यू क्योंकि आपके अंदर अपनी राह में आई हर चीज के प्रति आभार की भावना है सच में तो ये शब्द आ सकते हैं या ये किसी और तरीके से अभिव्यक्त हो सकता है जिसे आपके भीतर का जादू होना था वो केवल आपके बर्ताव में होता है यही ट्रेजेडी है नैतिकतावादी समाजों की कि वे सारी सही चीजें करते हैं और उनके भीतर कुछ भी सही नहीं होता तो बर्ताव किसी की चेतना किसी के विकास या किसी के रूपांतरण को तय नहीं करता तो अगर आपके पास एक आध्यात्मिक विकास का मतलब है कि एक ठोस कंक्रीट होने से कंक्रीट की तरह ठोस एक अलग व्यक्ति होने से आप थोड़े अधिक छेददार और अधिक समावेशी हो जाते हैं अपनी समावेशिता के कारण हो सकता है कि आप कई चीजें करें अगर चीजें आपकी समावेशिता आपकी कोमलता से हो रही हैं आपका प्यार भरा स्वभाव आपकी समावेशिता से उभर रहा है तो ये शानदार है लेकिन अगर ये कोई फॉर्मूला है जिसे आपने सीखा है कि आपको पता है कि ये चीजें करने से आप मनचाही चीजें पा सकते हैं दरअसल हमें स्कूल में इसे इसी तरह से सिखाया गया था इन तीन जादुई शब्दों का इस्तेमाल कीजिए आपके लिए चीजें होंगी तो आप जाते हैं और कहते हैं प्लीज जैसे ही आपको कुछ मिलता है आप पीछे मुड़ते हैं और कुछ और कहते हैं ये मेरे आसपास हो रहा था तो आपका बर्ताव यह तय नहीं करता कि आप कौन हैं। लोग बर्ताव को बेहतर कर सकते हैं लेकिन वो जो हैं उसे रूपांतरण की जरूरत है मूल रूप से रूपांतरण का मतलब है कि आपको अपनी सीमा का जो एहसास था कि मैं यह हूं यह बढ़ गया है रूपांतरण बस यही है रूपांतरण का संबंध सामाजिक बर्ताव से नहीं है रूपांतरण यह है कि अगर आप यहां बैठे तो सिर्फ यही मैं था लेकिन अब मैं क्या हूं वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है बस इतना ही उसके कारण आप जिस भी तरह से बर्ताव करें मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन समावेशिता होनी चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस की तुलना में इंक्लूसिवनेस बेहतर है जब आप किसी चीज को खुद के एक हिस्से के रूप में देखते हैं तो थैंक यू प्लीज सॉरी और ऐसी चीजों का क्या महत्व है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब आप दूसरे को खुद के रूप में देखते हैं मैं हर किसी के साथ वैसा ही बर्ताव करता हूं जैसा मैं खुद के साथ करता हूं कठोर अगर मैं खुद के साथ ऐसे अच्छे से बर्ताव कर रहा होता तो मैं आपके साथ भी ऐसे ही बर्ताव करता चूंकि मैं खुद के साथ सख्ती से पेश आता हूं मैं आपके साथ भी सख्ती से पेश आ रहा हूं चलेगा या आप चाहते हैं कि मैं अच्छा बन जाऊं प्लीज मैं इसे शुरुआती कार्यक्रमों में कहता हूं मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज अपनी आंखें बंद करें हेलो मैं कहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपको अपनी आंखें बंद करने में कठिनाई हो रही है मैंने कहा प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए आप समयमा में आते हैं और वहां भी आप चाहते हैं कि मैं प्लीज कहूं मैंने कहा अपना मुंह बंद करो और बैठ जाओ <laughs> तब तक आपको इसका महत्व समझ लेना चाहिए अभी यह बस दूसरा या तीसरा दिन है लॉकडाउन का पहले दिन आपको समझ नहीं आया अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है अब हम ये नहीं कह सकते कि प्लीज छह फुट की दूरी बनाए रखें हमारे पास छह फुट की छड़ी है और हम आपको इस तरह से धक्का देंगे क्योंकि अगर तीन दिनों में भी आपको समझ नहीं आया कि छह फुट क्या है, हेलो, ये समझने में तीन दिन नहीं लगते कि छह फुट क्या है भले ही आप अनपढ़ हों आप इसे समझ सकते हैं आपको किसी गणित की डिग्री की जरूरत नहीं है तो अब सरकार ने सेना को तैयार रखा है कहीं अगर आप अभी भी ना समझ पाए हो कि छह फुट क्या है हां एक बार ऐसा हुआ क्या हुआ तो एक दिन शंकरन पिल्लई घर आए उनकी पत्नी ने उनके 12 साल के लड़के के बारे में शिकायत की कि यह लड़का मेरी बात नहीं सुन रहा है तुम्हें इसे अभी ठीक करना होगा तो शंकरन पिल्लई लड़के को खोजने लगे लड़का बगीचे में छुपा हुआ था उन्होंने उसे कानों से पकड़ा और कहा बेवकूफ क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो जो तुम अपनी मां की बात नहीं सुनते तो आपका बर्ताव अगर आप समाज में रहना चाहते हैं तो हां बेशक आपको अपने बर्ताव को नियंत्रित करना होगा क्योंकि ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है ये आपके आसपास के हर इंसान के बारे में है लेकिन हम अच्छे बर्ताव के रूप में जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं उसका मतलब कुछ खास शब्दों का प्रयोग करना नहीं है कुछ खास चीजें करना और कुछ खास चीजें न करना नहीं है नहीं हम इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप इस हॉल के अंदर आते हैं यहाँ पचास लोग बैठे हुए हैं आप अपने हर कदम और अपनी हर सांस में परवाह करते हैं आपकी परवाह इन पचास लोगों के लिए है या सिर्फ अपने लिए बस यही मायने रखता है अगर आपकी परवाह यहां बैठे सभी पचास लोगों के लिए है फिर आप एक तरह से बर्ताव करेंगे अगर आपकी परवाह सिर्फ खुद के बारे में है फिर आप दूसरी तरह से बर्ताव करेंगे आपको बस इसे ही ठीक करना है आध्यात्मिक प्रक्रिया कोई सामाजिक चीज नहीं है ये एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने भीतर करते हैं चूंकि आपके भीतर कुछ बदल गया है इसलिए आप दुनिया के साथ भी एक खास तरह से पेश आते हैं कई सारे आध्यात्मिक लोग बहुत ज्यादा विकसित इंसान उनके पास सामाजिक हुनर नहीं था इसीलिए उन्होंने खुद को समाज से दूर रखा आपने सदगुरु श्री ब्रह्मा के बारे में सुना है उनके पास कोई सामाजिक हुनर नहीं था ढेर समस्याएं इस बार हम थोड़े सामाजिक हुनर के साथ आए हैं हां मैं बढ़िया कर रहा हूं अभी भी कुछ लोगों के साथ थोड़ा टकराव है लेकिन ऐसे लोग हमेशा होते हैं यह इस बात का संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं कि हम दुनिया में सही चीजें कर रहे हैं क्योंकि अगर वो लोग आपकी तारीफ करते हैं तो आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो वाकई गलत है तो जरूरी नहीं है कि किसी की आध्यात्मिक प्रगति उनके बर्ताव से आंकी जाए अब इसे गैर जिम्मेदाराना बर्ताव का लाइसेंस मत समझिए यह कह कहकर कि मैं आध्यात्मिक हूं दुनिया में इस बिरादरी के लोग भी मौजूद हैं चूंकि वे आध्यात्मिक हैं उन्हें लगता है कि हर किसी को उन्हें समझना चाहिए वे अजीबोगरीब चीजें करेंगे और हर किसी से उसे समझने की उम्मीद की जाती है नहीं नहीं वो तरीका नहीं है क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि आपकी पहचान अपनी भौतिक प्रकृति से नहीं है आपकी पहचान उस आयाम पर चली गई है जो भौतिक नहीं है जब आपकी पहचान भौतिक नहीं रहती फिर चीजों को करने का आपका कोई विशेष तरीका नहीं रहता आप उसे वैसा करेंगे जैसा जरूरी होगा कोमल तो कोमल कठोर तो कठोर शानदार तो शानदार बुरा तो बुरा चाहे जैसा भी परिस्थिति की मांग जैसी भी हो आप उसी तरह रिस्पोंड करेंगे क्योंकि आपकी पहचान अपनी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया के साथ नहीं है आपकी पहचान आप जो हैं, उसके भौतिक आयाम से परे चली गई है तो आपके पास एक आजादी होती है सभ्य बर्ताव का मतलब है कि आप जमे हुए हैं एक खास तरीके से होने के लिए यानी आपने अपनी आजादी खो दी है अपनी आजादी से जब अच्छे बर्ताव की जरूरत होती है तो आप शानदार होते हैं जब आपको बुरा बनने की जरूरत होती है तो आप बुरे होते हैं जिसकी भी जरूरत होती है आप उसी के अनुसार पेश आते हैं मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और अभी चूंकि सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां नहीं है इसलिए गायें, भैंसे हर तरह के जानवर सड़कों पर हैं भैंसों का एक झुंड वहां चल रहा है आप जाकर कहिए प्लीज प्लीज वो बस वैसे ही चलती रहती हैं प्लीज कोई रिस्पॉन्स नहीं हे वो थोड़ा सा आप एक छड़ी उठाकर कहिए हे फिर वो रास्ते से हटेंगी क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि आप यह क्या प्लीज प्लीज बोल रहे हैं अब आप भैंस के साथ बुरा बर्ताव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अगर भैंस को पता होता कि मीठे शब्द क्या होते हैं तो आप बस वो कहते आप भैंस से मीठी बातें कहते लेकिन उसे वो समझ नहीं आता उसे ये समझ में आना चाहिए कि आपको उसका अभी वहां खड़े होना पसंद नहीं है आपको उसे ये समझाना होगा उसे उस सड़क पर नहीं होना चाहिए जिस पर आपको जाना है आप उसे समझाइए आपको जाकर उसकी पिटाई नहीं करनी है लेकिन आपको कम से कम थोड़ा शोर तो मचाना ही होगा वरना वो नहीं हिलेगी क्योंकि उसे समझ नहीं आता तो किसी बच्चे से बात करते समय आप इसे एक तरह से करेंगे किसी बड़े व्यक्ति से बात करते समय आप किसी दूसरी तरह से करेंगे जाने पहचाने व्यक्ति के साथ एक तरह से अनजान व्यक्ति के साथ दूसरे तरीके से हमारा बर्ताव परिस्थिति की मांग के अनुसार होता है अब आपने खुद को फिक्स कर लिया है मैं ऐसे ही बर्ताव करता हूं यहां तक कि अगर परिस्थिति उसके लिए अनुकूल ना हो फिर भी आप वही चीजें करते हैं इसका क्या दुख है कोई भी काम जो उस परिस्थिति के लिए उचित नहीं है जिसमें आप मौजूद हैं वो बेतुका काम है तो तय काम कई परिस्थितियों में हमेशा बेतुके बन जाते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यों को तय ना करें हम बस ये तय करें कि हम कौन हैं। यही बात नहीं मैं इन चीजों का विद्वान नहीं हूँ लेकिन ये बात मेरे साथ चिपकी हुई है कृष्ण ने कहा था योगस्थ कर्माणि, पहले खुद को योग में स्थापित कीजिए यानी खुद को स्थापित कीजिए अपने अलग इंसान होने के भाव में नहीं बल्कि सृष्टि के साथ अपनी एक रूपता में और फिर कार्य कीजिए इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से एक रूपता में हैं फिर जिसकी जरूरत हो वो कीजिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है